ये बात तब की है जब जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। कांग्रेस की एक मीटिंग में रफी साहब पर आरोप लगा कि उन्होंने पार्टी लाइन के विरुद्ध जाकर एक ऐसे उम्मीदवार की मदद की है जो कांग्रेस को हराने के लिए खड़ा है। जवाहरलाल ने जब रफी साहब से पूछा तो वो बोले, मुझे बेहद अफसोस है, मैं बेहद शर्मिंदा हूँ, माफी मांगता हूँ कि गोविंद सहाय जी से जितनी मदद का मैंने वादा किया था उतना मैं नहीं कर पाया, आइंदा से पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। और ये कहकर रफी साहब उस भरी सभा में बैठ गए। उनके इस जवाब से जवाहरलाल नेहरू खूब मुस्कुराए, क्योंकि रफी साहब के दिल को वही ढंग से समझते थे। तो ऐसे थे महान स्वतंत्रता सेनानी रफी अहमद किदवई। रफी अहमद 1935 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। बाद में यूपी सरकार में वे राजस्व मंत्री भी रहे। उसके बाद सूबे के गृह मंत्री बनाए गए, लेकिन यूपी में जब उनका कुछ विरोध हुआ तो नेहरू ने उन्हें दिल्ली बुला लिया, जहां उन्हें संचार मंत्री बनाया गया। अपने मिनिस्टीरियल एरा में रफी साहब ने संचार विभाग में क्रांतिकारी योजनाएं दी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक समय में संचार का सबसे प्रमुख माध्यम अंतर्देशीय पत्र इन्हीं की देन है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के मसौली कस्बे के एक मध्यम वर्गीय जमींदार इम्तियाज अली के घर पैदा हुए रफी अहमद किदवई की गिनती उन चंद शख्सियत में होती है जिन्होंने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बाराबंकी में हुई और उच्च शिक्षा के लिए ये अलीगढ़ गए, जहाँ से उन्होंने स्नातक किया। उसके बाद इन्होंने कानून की पढ़ाई शुरू की, लेकिन पढ़ाई के बीच में ही महात्मा गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन और नारे लगाने लगे। और इसी तरह के एक अभियोग में उन्हें 10 माह का कठोर कारावास का दंड भी मिला, लेकिन जेल से छूटते ही वो फिर अपनी गतिविधियों में जुट गए। जेल से छूटने के बाद वो नेहरू के आवास आनंद भवन चले गए, जहाँ मोतीलाल नेहरू ने इन्हें अपना सचिव बना लिया। इसके बाद वे मोतीलाल नेहरू द्वारा संगठित स्वराज पार्टी के सक्रिय सदस्य बन गए। यहीं से जवाहरलाल नेहरू से उनकी गहरी दोस्ती हो गई। उनकी पूरी राजनीति नेहरू से प्रभावित रही, इसीलिए तमाम राजनीतिज्ञ उन्हें नेहरू का पूरक भी कहते हैं। उनके दरवाजे हर जरूरतमंद के लिए 24 घंटे खुले रहते थे। हालांकि उनके स्वभाव का लोग गाहे बगाहे बेजा फायदा भी उठा लेते थे। कोई टोकता तो कहते, मुद्दा यह नहीं है कि उसने मुझसे झूठ बोलकर मदद ली है, मुद्दा यह है कि उसे ज़रूरत थी तभी वो मदद मांगने आया। रफ़ी अहमद उन चंद लोगों में से हैं जिन्होंने आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद देश की सेवा की। खुद के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया। उनकी मौत के बाद उनके घर पहुंचे जवाहरलाल नेहरू ने जब उनका घर देखा तो द्रवित हो गए और उन्होंने उनकी मज़ार बनवाने का ऐलान किया और संगमरमर की बेहतरीन मज़ार बनवाई गई। रफ़ी साहब ने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की ही बात की और उन्हीं की दूरदर्शी सोच के परिणाम स्वरूप देश में गंगा जमुनी तहजीब लगातार बनी रही।